इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। खबर सरहदी जिला कुपवाड़ा के टंगरार करना से है, जहां पर गोलाबारी चल रही है सरहद पर दोनों तरफ से। मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे ताहिर कुदूस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताहिर, हमें रूबरू कराइए, क्या तफसीलात है इस टाइम करना और टंगरार की? देखिए आशिक, जैसे खबर पूरे इस वक्त वैली के अंदर फैली हुई है कि करना के अंदर जो है क्यामत जैसा मंजर दर्पा हो गया है। 3:37 और 3:40 के दरमियान में यहाँ पे दोनों अतराफ से जो है गोलाबारी स्टार्ट हुई, हैवी गन से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो बिल्कुल मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कोई लोग जो है बकरों के अंदर छपे हुए हैं और कई लोग जो है अपने अंडरग्राउंड के अंदर पोजिशन लेकर अपने आप को जो है सेफ करा रहे हैं। तो इस वक्त जो कंसर्नर सचिव से हमने बात की तो उनका ये मानना है कि जो मीडियम गन है वो इस्तेमाल की जा रही है दोनों तरफ से। तो अभी तक जो अगर इंजरी की बात करें तो एक माइनर इंजरी वाला जो केस एसपी चंगड़ार में आया हुआ है, जबरिया करना का वो रहने वाला है, उसको शेल लगने से जो है माइनर इंजरी पहुंची है। जी आशिक जी, ताहिर हमें ये भी बताइए, क्या पुलिस या आर्मी की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई थी कि फायरिंग होने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला था? जी आशिक, देखिए जैसा 2002 के अंदर जो सीज फायर वायलेशन हुआ था उसके बाद आज जो है कोई भी एडवाइजरी जारी करने के बगैर जो है आज अचानक से जो है कोई लोग जो थे बच्चे स्कूलों में थे, कोई लोग आफिसों के अंदर थे और कोई जो अपना कारोबार में मशगूल थे, अचानक से 3:30 और 3:40 के दरमियान यहाँ पे फायरिंग हुई, जिसकी वजह से खौफ हरास पैदा हुआ। तो लोग जो है वो बिल्कुल क्यामत जैसे मंजर देख रहे हैं। अभी तक कोई भी एडवाइजरी इन्होंने या आर्मी या पुलिस की तरफ से जारी नहीं की गई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से लोग जो है धोखे का शिकार होकर और कई लोग जो है बिल्कुल इस वक्त हार्ट अटैक होने का जो है खतरा भी उनको लाहक है। कई लोग जो आप आवाज सुन रहे हैं मेरे पीछे से जो आवाजें आ रही है, ये बिल्कुल हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अतराफ से जो है फायरिंग अभी भी जारी है। रिसेंटली इस वक्त की सिचुएशन जो है बिल्कुल टेंस है, लोग जो है बिंकरों की पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, कोई लोग अपने घरों के अंदर जो है, और बॉर्डरों की अगर बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल खौफ हरास है। लोग ये मानते हैं कि 17 साल के बाद ये आवाज अचानक से आनी, तो कई लोग जो है इसका शिकार भी हुए, कोई लोग हार्ट के पेशेंट थे जिनकी वजह से वो चुप हो गए, बीमारी का शिकार हो गए। ये आशिक जी, ताहिर ये भी बताइए, जो स्कूल सुबह बच्चे गए थे क्या वो अब अच्छी तरह से वापस आ गए हैं यहाँ पे घरों में? वो आ गए हैं जो स्कूल गए थे या कारोबार के लिए कोई गया था तो वो क्या महफूज मकामात पे सारे पहुँच गए हैं? जी, जैसे खबरें ये आ रही है कि जो स्कूल बच्चे गए थे, क्योंकि अचानक जो है अभी छुट्टी का टाइम नहीं था, तो उस वक्त जब फायरिंग स्टार्ट हुई तो कोई बच्चे जो है वहीं पे कई नजदीकी बंकरों के अंदर शिफ्ट किए गए और कोई कारोबारी जो लोग थे वो भी जो है नजदीकी बंकरों के अंदर शिफ्ट हो गए, तो कई अंडरग्राउंडों के अंदर पोजीशन लिए और कई लोग जो है वो मकानों के अंदर शिफ्ट जो है हो गए। इस वक्त भी है लोग जो है अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कहीं नजदीकी किसी स्कूलों के अंदर शिफ्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स भी बड़े परेशान हैं, परेशान हाल हैं, वो भी इस बात के बड़े सहमे हुए हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई अपना जो है जाया हो जाए। बहरहाल ताहिर, आपने बात की हमारे साथ, आपने हमारे नाज़रीन को आगाह किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे ताहिर कुदूस, जिन्होंने हमें आगाह किया करना और टंगदार में फायरिंग जो हो रही है, पिछले 3 घंटों से ये लगातार फायरिंग हो रही है। कहा जा रहा है इसमें एक शख्स जो है आम शख्स वो शहरी जख्मी हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विसेज, इंडीड, कोचिंग, मेंटरिंग and personality development. Our faculty is a facility for you. Our management, our faculty and our infrastructure are state of the art in their own right. We provide coaching for IAS, KAS, general studies and optionals, CSAT and banking, NET, JKSSRB and SSC. We are also an English learning academy. Best of luck.